नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय राय। आज बात होगी अमेरिकी यात्रा पर निकले मोदी को लेकर के, क्योंकि देश में उन्होंने उद्योगपतियों के साथ बैठक करके जहां एक तरफ समा बांधा, वहीं अब अमेरिका के उद्योगपतियों को रिझाने की कोशिश है। लेकिन इस मुद्दे पर जाएं उससे पहले इससे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया है। शिवसेना बीजेपी का 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया है। सीटों को लेकर बड़े लंबे समय से खींचतान चल रही थी। 119 सीटों का प्रस्ताव शिवसेना की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को पहले दिया गया था। बाद में कहा गया कि नरेंद्र मोदी की दखल के बाद शिवसेना रजामंद हो गई है 131 सीट देने के लिए। लेकिन आखिरकार अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन इसमें टूट चुका है। शिवसेना ने न्याय किया ऐसा कहना है बीजेपी का। शिवसेना के ऊपर सीधे तौर पर बीजेपी का एक तरीके से हमला है कि बीजेपी का कहना कि शिवसेना अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और उसने न्याय नहीं किया है, छोटे सहयोगी दलों का साथ नहीं देंगे, इस तरह की बात निकल कर आ रही है। सीधे तौर पर हमारे साथ देवेंद्र परासर हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। देवेंद्र, क्या पूरी सूचना है? देखिए, बहुत नाजुक दौर में पहुंच गया है बीजेपी शिवसेना गठबंधन का जो रिश्ता है, और महाराष्ट्र बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इस बात को साफ किया है कि शिवसेना का जो प्रपोजल था ना तो वो हमें स्वीकार हो रहा है, ना ही हमारे बाकी जो दूसरे छोटे सहयोगी दल हैं, जो चार दल हैं, उन्हें ये स्वीकार हो रहा है। जाहिर तौर पर मसला जो फंस रहा है कि शिवसेना इस बात पर अड़ी हुई है कि अगर उसकी सीटें 150 से नीचे आती हैं, जो कि बीजेपी का फॉर्मूला है 147 सीटों का, अब खुद के लिए 127 सीटों का और अन्य दलों के लिए 14 सीटों का, वैसी स्थिति में उद्धव ठाकरे को सीएम उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी और बाकी छोटे दल प्रोजेक्ट कर दें। बीजेपी और बाकी छोटे दल इस बात के लिए तैयार नहीं है। इनका ये कहना है कि पहले चुनाव में जाया जाए, उसके बाद जब सरकार बनाने की स्थिति होगी तो फिर देखना होगा कि बहुमत किसके साथ है। और जाहिर तौर पर शिवसेना किसी भी सूरत में इस बात को मानने को तैयार नहीं दिख रही है। उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनका एक बयान भी आया है कि हर शिव सैनिक मिशन 150 के लिए अपनी जी जान लगा देगा। जाहिर तौर पर जिस प्रकार से देवेंद्र क्या समझा जाए, जिस गठबंधन को बाला साहब ठाकरे ने परवान चढ़ाया था, उनके सानिध्य में ये गठबंधन बना था, बाला साहब के नहीं रहने से, जैसा आपने खुद कहा कि आदित्य ठाकरे ने बयान जारी किया है, तो नई पीढ़ी गठबंधन के रुख पर कायम नहीं है, सीधे तौर पर चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री बन जाना चाहती है। बात करें विनय जी, तो उसके सामने स्थिति अस्तित्व को बचाने की है, एक तरह से अस्तित्व को बचाने की, इस लिहाज से कि उसे बखूबी पता है कि महाराष्ट्र की सियासत में उसकी तुलना में बीजेपी के पांव ज्यादा मजबूत जम चुके हैं, खासतौर पर नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के उभार के बाद। और इस स्थिति में अगर इस चुनाव में शिवसेना पिछलग्गू की भूमिका में रहती है बीजेपी की तुलना में, तो आगे उसका रास्ता कम से खत्म होने की दिशा में जाएगा। और यही वो रणनीति है जिसके तहत आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधने से शिवसेना का जो सामना मुखपत्र है वो चूकता नहीं है, और बार बार मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उन लोगों को बखूबी लगता है ये कि अगर मोदी का इफेक्ट इसी तरीके से रहा तो वहां पर शिवसेना को नुकसान हो जाएगा। और उसी अस्तित्व को बचाने की कोशिश के तहत ये जोर दिया जा रहा है शिवसेना की तरफ से कि जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे वो उद्धव ठाकरे ही होंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर दिल्ली में बीजेपी है तो महाराष्ट्र की सियासत शिवसेना के हाथों में होनी चाहिए। ये दिगर बात है कि आप शिवसेना के परफॉर्मेंस को देखें महाराष्ट्र में, तो हर एक चुनाव में उसका जो स्ट्राइक रेट रहता है उससे काफी बेहतर बीजेपी का प्रदर्शन रहता है। लेकिन अभी तक बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में थी। जैसे ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आए, अब तस्वीर बदल चुकी है। अब बीजेपी एक सवाल और हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की सियासत है, गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद माना जा रहा था कि महाराष्ट्र की सियासत में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नितिन गडकरी एक मजबूत चेहरा है, जो कि पहले भी महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके हैं, जो महासचिव इंचार्ज है राजू प्रताप रूढ़ी, अब इन लोगों का रुख क्या होगा? क्या राज ठाकरे को लेकर के नए समीकरण की तलाश की जाएगी? क्योंकि हमने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान भी राज ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतारने से मना कर दिया था और इस परिधि में उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया था। क्या अगर गठबंधन टूट गया है तो राज ठाकरे का समर्थन हासिल करने की बीजेपी कोशिश करेगी निश्चित तौर पर, और वो संभावना अगर बीजेपी टटोलना शुरू करेगी तो उसमें महज कुछ घंटे के अंदर ये गठबंधन की तस्वीर साफ भी हो सकती है। हालांकि आप देखें तो लगभग 153 उम्मीदवारों की सूची एमएनएस ने अभी तक जारी कर रखी है। बावजूद इसके जैसे ही उद्धव ठाकरे और शिवसेना बीजेपी से अलग होगी, उसके बाद राज ठाकरे बीजेपी की लगभग हर शर्त मानने की स्थिति में होंगे। राज ठाकरे की बात आप करें तो नितिन गडकरी से उनके बहुत बेहतर संबंध है, और न सिर्फ नितिन गडकरी बल्कि नरेंद्र मोदी के भी वो एक तरह से मुरीद रहे हैं।
याद होगा आपको कि किस तरह से वो गुजरात गए थे, तो वहाँ के वो राजकीय अतिथि के तौर पर वहाँ पे गुजरात गए हुए थे और नरेंद्र मोदी तब वहाँ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने देवेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ महाराष्ट्र से इसमें जुड़ चुके हैं राजू पारुलेकर जो कि वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजू जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये 25 साल पुराना गठबंधन टूटा है, इसका श्रेय आप किसको देंगे इस गठबंधन को टूटने का, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के सानिध्य में गठबंधन बना था? देखिए, ये गठबंधन टूटा अगर है तो बस वो उद्धव ठाकरे जी के और उनके घर वाले हैं, जो पूरी उनका पार्टी सीमित हो गई है। उद्धव, आदित्य, मिलिंद उनका जो सेक्रेटरी है और रश्मि जी, चारों मिलके निर्णय लेते हैं और उनकी जो नंबर गेम है वो मुख्यमंत्री बनने के हिसाब से उन्होंने बनाया, उसी में फंस गए वो जी। और वो खुद बाला साहब तो है नहीं, तो उनको कुछ लचीलापन रखना चाहिए था। और दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, भाजपा बदल चुकी है और पूरे उनकी पार्टी भी बदल चुकी है, वो समझ नहीं पाए इसलिए पूरी तरह से टूट गई है गठबंधन। वरना गठबंधन टूटने की कोई वजह थी नहीं, क्योंकि एंटी इनकमबेंसी फैक्टर इतना जबरदस्त था कि 2/3 बहुमत तो मिल ही जाता है इनको। नहीं तो अब क्या समझते हैं, अगर गठबंधन टूटा है तो एनसीपी और कांग्रेस के भी बीच में उतने अच्छे रिश्ते नहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन नए सियासी समीकरण के मुताबिक क्या बीजेपी शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद राज ठाकरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकती है? दो बातें हैं, देखिए कि राज ठाकरे की पिछली परफॉर्मेंस रही है और उन्होंने काम जो किया है वो देखते हुए, जब महाराष्ट्र की धरातल पे आप आते हैं तो आपको पता चलेगा कि राज ठाकरे का कोई पार्टी का कोई अब लोगों के मन में ऐसी हैसियत है नहीं, और वापस वो पाने के लिए उनको कम से कम 5 साल काम करना पड़ेगा जी। तो बीजेपी के लिए तो बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि अगर राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाते हैं या कहीं भी किसी भी तरह से हाथ मिलाते हुए दिखते हैं ये लोग जी। तो फिर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मसला उत्तर भारतीयों के खिलाफ जिस तरीके से राज ठाकरे उग्र रहे हैं, एक नुकसान होगा। लेकिन अब बीजेपी के लिए क्या संभावना देखते हैं, क्योंकि 25 साल तक गठबंधन की बैसाखी थी, अचानक चुनाव से ऐन पहले गठबंधन से अलग हो रही है? नहीं, आप बताइए, आप समझिए कि वक्त बदल चुका है, उनके साथ जो छोटे दल आ चुके हैं बीजेपी के साथ, वो और बीजेपी मिलकर भी बहुमत की तरफ बढ़ सकते हैं, और जरूरी नहीं है। दूसरी बात एक होगी कि अगर शिवसेना के जितने भी सीट्स आएंगे, आखिर शिवसेना को विकल्प ही क्या है बीजेपी के सिवाय? अगर बीजेपी बहुत ज्यादा बहुमत नहीं पाती है और बहुत अच्छे नंबर आते हैं उनके साथ, घटक दल जो साथ में आ रहे हैं उनको अच्छे नंबर आते हैं, उनके सीट्स आ जाते हैं, तो शिवसेना के पास विकल्प क्या है? शिवसेना बी पार्टी बन के बीजेपी इन्हीं के साथ आएगी, क्योंकि किसी और को सत्ता में लाना शिवसेना के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। शिवसेना के पास कोई विकल्प नहीं है। असल में ये हुआ है कि उद्धव ठाकरे ने खुद ही ताला लगाकर अपने सारे विकल्प बंद कर दिए, अब खुद जेल में चले गए हैं, और अब कुछ इलेक्शन के बाद ही उनको पता चलेगा कि उन्होंने जो बाला साहब ने खड़ा किया था, जो पार्टी को खड़ा किया था, उस पार्टी का बिगिनिंग ऑफ एंड शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब माना जाए राजू जी कि कम से कम अब चुनावी गठबंधन भले ही ना हो, चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो बी टीम बन के गठबंधन जरूर हो सकता है। और इस बात की संभावना आप कहां तक देखते हैं कि अगर कामयाबी दोनों दलों को हासिल नहीं हो पाती है तो क्या एनडीए से भी अब शिवसेना अलग होगा केंद्र में? देखिए, आपको ये बात तो स्पष्ट है कि एनडीए से दूर होने में और फिर यहां भी हार जाने के बाद सेना का कोई वजूद नहीं रहेगा देश में या राज्य में, तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर अहंकार के लिए और अपनी मूर्खता पे कायम रहने के लिए अगर उद्धव ठाकरे ऐसा कर भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो किया है वो मैं समझता हूँ किसी भी राजनेता कर नहीं सकता। हम लोग ये सोच रहे थे कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं, तो अब ये ऐसे ही करते रहे तो आगे ये कर भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कल केंद्र में अगर बीजेपी है ही पावरफुल और राज्य में भी अच्छी खासी आ गई, तो समझिए कि उद्धव ठाकरे कोई दूध के धुले नहीं है। कल कोई एक इंक्वायरी शुरू होगी तो खत्म हो जाएगी पूरी पार्टी, जैसे कि राजशेखर रेड्डी के बेटे को कर दिया कांग्रेस ने जी। तो क्या करेगी बीजेपी शिवसेना से, बताइए आप मुझे जी। चलिए, तो उद्धव के लिए कोई विकल्प नहीं है। उद्धव बस उद्धव ने आज अपने लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। अच्छा काम किया उसने, क्योंकि वैसे भी अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री या उसके लिए आगे बढ़ते हैं तो राज्य की जनता के लिए बहुत बड़ा खतरा था, तो वो खतरा कम हो गया है, इससे बहुत महाराष्ट्र में सब लोग बहुत खुश हैं। चलिए राजू जी, राजू चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े।
सबसे बड़ी बात है कि राजू जी कह रहे हैं कि खुद ताला बंद कर दिया है उद्धव ठाकरे ने, और समझना चाहेंगे इस मसले को और भी करीब से चल करके। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से भी जुड़े हुए हैं, बुक्कल नवाब जो समाजवादी पार्टी से हैं और साथ ही आईपी सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि गठबंधन की सियासत में कई तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। इसमें समाजवादी पार्टी को लेकर खुद कांग्रेस बार बार कह रही थी कि कुछ ऐसा ना हो जिससे कि सांप्रदायिक शक्तियों को बल मिले। अब यहाँ पर गठबंधन अगर टूटा है कांग्रेस खेमे में जरूर थोड़ी बहुत खुशी की लहर होगी, क्योंकि 25 साल तक गठबंधन की बैसाखी पर दोनों दल एक साथ चले थे और इस बार 15 साल का वनवास, जो सत्ता का वनवास था, वो टूटने की जब संभावना दिख रही थी तो सत्ता मोह कहें या कुर्सी जो मुख्यमंत्री की है उसकी इतनी लालच कहें कि आखिरकार दोनों दलों को लगा कि हमको ज्यादा सीटें मिले, शिवसेना को लगा हमको ज्यादा सीटें मिले, उस एवज में गठबंधन ही टूट गया। हम इस चर्चा पे चलेंगे सीधे, तो अपने खास मेहमानों से बात करेंगे, अपने सहयोगी देवेंद्र परासर से बात करने की कोशिश करेंगे। देखा कि 25 साल पुराना शिवसेना बीजेपी का गठबंधन किस तरीके से सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गया और गठबंधन टूट गया। अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, और अब इस बात को देखना कि 25 सालों तक जो एक दूसरे का गुणगान किया करते थे, अब चुनावी समर में किस तरीके से एक दूसरे को कोसते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इसी तरह का खामियाजा या इसी तरह की राजनीति हमने कुछ महीने पहले अभी बिहार में देखी है, जब लंबा चला गठबंधन शिवसेना को छोड़िए जेडीयू और बीजेपी का टूटा था, उस समय भी ऐसे हालात पैदा हुए थे। लेकिन अब हम डालते हैं मुख्य खबर पर, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी का भी वनवास खत्म हो रहा है। लंबे समय तक अमेरिका का वीजा न मिलने के चलते वो वहां जा नहीं पा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका ने अपने सारे दरवाजे खोल रखे हैं, पलक पावड़े बिछाए, अमेरिका पूरी तौर पर नरेंद्र मोदी के स्वागत के इंतजार में है। लेकिन वहाँ किस तरह की तैयारियाँ हैं, क्या कुछ होने वाला है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस भी हमला करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस के नेता मसूदन मिस्त्री ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घर से बाहर नहीं निकल लेना चाहिए। ये भी अपने आप में एक अजीब व गरीब सियासत है, देखे इस खास रिपोर्ट में। देश में कारोबारी माहौल पैदा करने के लिए मोदी की ये कोशिश कितना रंग लाती है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये अंदाज उद्योगपतियों को खूब भाया और पसंद आए भी क्यों नहीं। हर कारोबारी का मकसद मुनाफा कमाना ही तो होता है, और कोई भी कारोबारी लाल फिताशाही में अपना पैसा नहीं फंसाना चाहता। ऐसे में मोदी ने जो भरोसा दिलाया है उससे कारोबारियों में उम्मीद बंधी है। मेक इन इंडिया के शुरुआत के कुछ ही देर बाद मोदी अमेरिका यात्रा के लिए निकल पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 6 अहम समझौते पर दस्तखत होने हैं। इनमें शिक्षा का क्षेत्र सबसे अहम है। प्रधानमंत्री के मिशन अमेरिका के दौरान जिन 6 समझौतों पर दस्तखत होने हैं वो हैं उच्च शिक्षा में आपसी सहयोग के लिए ज्ञान कार्यक्रम, ऑनलाइन शिक्षा में अमेरिका के साथ मिलकर स्वयं योजना, विभिन्न आईआईटी को सहयोग के लिए समझौता, गैस हाइड्रेट पर भारत की मदद करेगा अमेरिका, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग, 30 मीटर टेलीस्कोप बहुराष्ट्रीय परियोजना में साझेदारी। मेक इन इंडिया और अमेरिकी दौरे के ठीक बाद 2 अक्टूबर से नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान भी शुरू होने वाला है। उधर कांग्रेस मोदी की हर योजना को पंचर करने की रणनीति में लगी है। गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा कांग्रेस ने आक्रोश रैली का आयोजन कर सरकार की नीतियों का विरोध किया। रैली में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी तो नहीं पहुंचे, लेकिन पार्टी नेताओं ने मोदी पर जमकर हमले किए। हमारा धर्म बनता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ऐसे झूठे नकली आदमी को इस सत्ता से दूर किए बिना हमारे पास के अंदर कोई चारा नहीं है। लोगों के पास में जाएंगे, समझाएंगे। खूब नारे बुलंद करते थे, खूब लच्छेदार भाषण देते थे, आखिर क्या हुआ? जो मोदी जी, सुन लो, आखिर क्या हुआ कि मोदी जी अब मुंह में दही जमाए बैठे हैं? यूपी की सपा सरकार में मंत्री शिव प्रताप यादव ने मोदी के मिशन मेक इन इंडिया को लेकर हमला बोला है। उन्होंने मेक इन इंडिया की सफलता को लेकर सवाल उठाया है। पहले भी जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, उस समय साइन इंडिया का उन्होंने एक स्लोगन दिया था, लेकिन रिजल्ट उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आए।
तो केवल स्लोगन देने से या उससे कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि इसमें ठोस प्रयास करने की जरूरत है। मोदी के मेक इन इंडिया और मिशन अमेरिका को सफल बनाने में पूरी सरकार जुट गई है, लेकिन अब विपक्षी दल इसकी खामियां गिनाने में व्यस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। आपने देखिए खास रिपोर्ट। इसी मसले पर सीधे चलेंगे लखनऊ स्टूडियो, जहां पर तीन खास मेहमान इस समय से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बुक्कल नवाब साहब हैं समाजवादी पार्टी से, साथ ही अशोक सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी से आईपी सिंह साहब हैं, और साथ ही दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी देवेंद्र परासर। सबसे पहले आईपी सिंह साहब, सिर मड़ाते ओले पड़े तो क्या हुआ? एक तो गठबंधन टूटा, आज सुबह उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया, कांग्रेस ने कहा सब वादे खोखले हैं, तो अमेरिका जाने से पहले ही एक तरीके से कहें सियासत काफी गर्म हो चुकी है भारत में। देखिए राजनीति में विनय जी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी होती है। आप अगर अपने घर में ताले बंद कर, बाहर बंद कर, अंदर अपने को बंद कर ले, तो मैं समझता हूं कि रास्ते आपने बंद कर दिए। कमोबेश जो शिवसेना का नेतृत्व है मुख्यमंत्री बनने के लालच में अपने को कन्फाइंड कर लिया, और जिस प्रकार राजू पारुलेकर एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और मैं उनको अभी सुन रहा था, उन्होंने साफ साफ कहा कि इस अलायंस को टूटने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, इकलौता जिम्मेदार है, तो शिवसेना है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो छोटे राजनीतिक दल थे उनके साथ लगातार 3 महीने से प्रयास कर रही थी पार्टी। वहाँ का जो भी लीडरशिप है, देवेंद्र फडणवीस जी बहुत ही समझदार, यहाँ तक कि कहा जाता है कि अपने समय के गोल्ड मेडलिस्ट रहे, बहुत ही जुझारू प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूरा नेतृत्व लगा हुआ था कि ये गठबंधन बना रहे, लेकिन शिवसेना के एक तरफा डिसीजन ले लेने के कारण भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच का ये गठबंधन टूट गया। बुक्कल नवाब साहब, आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि कल भी जब बात हो रही थी कि महाराष्ट्र की सियासत में समाजवादी पार्टी भी अच्छा असर रखती है, सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह नरेंद्र मोदी ने देश के उद्योगपतियों के साथ मेक इन इंडिया का नारा दिया और कहा कि लाल फीताशाही के आप शिकार नहीं होंगे, अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, और अमेरिका निकल गए। अमेरिका में भी तमाम करार होने की संभावना है, देश की ब्रांडिंग की बात चल रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपके पूरे जो प्रयास हैं क्या आपको अमली रूप में नजर आते हैं, या कहीं ना कहीं सियासी गोट कल बिछाई जा रही है अपने फायदे के लिए, ये चीजें कामयाब नहीं हो पाएंगी? देखिए सबसे पहले तो हमारे आईपी सिंह साहब जो बैठे हैं, जो ये कह रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। ये इन्हीं ने भी एक लफ्ज कहा है इसी टीवी को, वह सब लोग देख रहे हैं कि इन्हें ये कहा है कि वो छोटे छोटे गठबंधन से जो थे, भाजपा जो थी राबता कायम किए हुए थी, ये छोटे गठबंधन 3 महीने से राबता कायम किए हुए थी, एक तरफ तो ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ इनको खुद शायद नहीं मालूम है कि उन्हीं छोटे छोटे दलों का जो ये इनकी 119 सीटें इनको मिल रही थी, उससे 119 से 11 सीटें इन्हीं उसी छोटे गठबंधन से ही छीनी, तब जाके इनकी 130 सीटें हुई जी। बंधन पे जब आप इतना ज्यादा मोहब्बत प्यार कर रहे थे, हम जिससे प्यार करते हैं उसी से छीनते, यही है आपका कानून, यही है आपका नियम। ये तो ये आईपी सिंह साहब ने खुद कबूल कर लिया कि हम उधावाल जो है उनको छोटे छोटे गठबंधन को जो है मोहब्बत करते, तीनों में मोहब्बत कर रहे थे, और प्यार करने के बाद उससे 11 सीटें हमने छीन ली, ये तो इन्होंने खुद ही कबूल कर लिया। और जहां तक के ये जाने का इनका सवाल है, अमरीका जाए कहीं जाए, अब जो ये चीन गए थे, जो चीन इधर वाले चीन गए हैं, चीन गए नहीं थे, आए थे राष्ट्रपति, अरे सुन लेंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद ने सजा के दिखाया कि हमारा हिंदुस्तान दुश्मन को दिखाया कि इतना बढ़िया है, इतना खूबसूरत है, वो देखने नजारा करने यहाँ के ऊपर इनके आए थे, और उधर वहां के ऊपर चुमार के अंदर जो है पूरी पूरी फौजें लगी थी और पूरे पूरे कैंप लगाए जा रहे थे, वहां के ऊपर इनको हमारे भारतवर्ष के ऊपर हमला करने की पूरी प्लानिंग हो रही थी, इधर ये हाथ मिला रहे हैं उनसे, और दूसरी तरफ जो है वो चाइना की फौजें जो है हमारे हमारे लद्दाख में घुसने के लिए तैयार बैठी हुई है। हम ये अमरीका इधर जाएंगे, अमरीका जाए और चाहे कहीं भी जाएंगे, चाहे ये वहां चांद के ऊपर चले जाएं,
ये कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ वादे करेंगे। इन्होंने जो जो वादे कर सिर्फ वादे किए हैं 100 दिन और 150 दिन और 200 दिन और यही 5 साल तक के ये वादे करते रहेंगे। आप इसी के साथ आप आरोप लगाने से पहले आप बताइए कि आपने उत्तर प्रदेश में 31 महीनों में 2.5 साल से आपने किया। आपकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, अपनी बात करिए, आपकी बात हो रही है। आपके जो गृह मंत्री हैंगे राजनाथ सिंह जी, उनका एक जमाने में आप याद करिए कि उनका नाम जो था राजनाथ सिंह कोई नहीं कहता था, घोषणा मंत्री उनका नाम रख दिया गया था जी, घोषणा मंत्री कहलाते थे गृह मंत्री। तो इस तरीके से आप घोषणा करते फिर ये इसके मतलब क्या है? अरे जनता भूखी है, उसके पेट में खाने को नहीं है, अरे उसको बिजली चाहिए, उसको जलाने के लिए नहीं तो है। आपके नेता के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल रहा है। आपका जो शीर्ष नेतृत्व है श्री मुलायम सिंह जी और उनके पूरे परिवार पर आय से अधिक अरबों रुपए की संपत्ति है, उसका सीबीआई का मुकदमा चल रहा है। हमारे नेता पर कितने होटल है, कितनी उनके मिले जब बताइए आप, एक मिल का नाम बता दिए, एक कोटी का नाम बता दिए, इसीलिए समर्थन देते रहे कांग्रेस को, इसीलिए जैसे कि सीबीआई आपको आपका हरेसमेंट ना करे। आईपी सिंह साहब, बात होती है ईर घाट की, आप तुलना करते हैं वीर घाट की, ये समझ में नहीं आता है। बात हो रही है मेक इन इंडिया की, बात हो रही है अमेरिका दौरा की, बात हो रही है महाराष्ट्र गठबंधन टूटने की, आज चले गए आज से संपत्ति के मामले में, मतलब क्या आपको बुक्कल नवाब साहब ही मिले हैं क्या? बुक्कल नवाब साहब मजबूत नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको भी इतिहास भूगोल पता है और नेताजी के बड़े करीबी व्यक्ति हैं। बात हो रही असल सियासत की, अशोक सिंह जी जो मसला आज कम से कम देश की जनता ने देखा, एक मिनट आईपी सिंह साहब, एक मिनट अशोक सिंह जी, जो मसला आज देश की जनता ने देखा, एक तो मेक इन इंडिया का नारा जो दिया नरेंद्र मोदी ने, मुलायम सिंह जी उनके खिलाफ भी चल रहा है। अरे उनके कितने होटल थे, कितने कितनी उनकी मिले चली थी, कितनी फैक्ट्रियां चल रही थी, कहां कहां उनकी जमीन है बताइए ना, उनको किस बात की गोली, किसके खिलाफ क्या चल रहा है? आईपी साहब, उस आईपी सिंह साहब अगर उस डिबेट में चलेंगे तो फिर मुझे कर्नाटक होते हुए उत्तराखंड तक जाना पड़ेगा। उस डिबेट को आज मैं करने में थोड़ा रुचि नहीं रखना चाहता। सीधे तौर पर आज देश ने एक नया विजन देखा है, देश के सामने एक नया मिशन दिखाई दिया है, उस पर हम डिबेट करना चाहते हैं कि अगर आज देश के उद्योगपतियों के साथ नरेंद्र मोदी बैठे, उन्होंने कहा कि आप लाल फीताशाही के शिकार नहीं होंगे, भारत के उद्योगपतियों का पैसा भारत में नहीं डूबने पाएगा, सीबीआई और इनकम टैक्स का जो डर है वो आपको नहीं सताएगा, एक मसला ये आपके सामने है। और इसी उम्मीद के साथ आज उद्योगपतियों से मिलने के बाद अमेरिका रवाना हुए। अमेरिका में सबसे बड़ी बात है कि जो लंबे समय का वनवास था, जो वीजा नहीं मिल रहा था, अब बतौर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो वहां पे क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से भारत को वहां लिया जाएगा, इसकी चर्चा है। साथ में सर मुड़ाते ओले पड़े वाली जो कहानी है उसकी चर्चा करना चाहता हूं मैं कि आखिरकार एक तरफ रवाना हो रहे हैं, दूसरी तरफ 25 साल पुराना गठबंधन टूट रहा है, तो इसके क्या असर आप देखते हैं उत्तर प्रदेश से लगाए देश की सियासत में? अशोक सिंह जी, अशोक सिंह जी, इस मसले पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि पूरे राजनीतिक घटनाक्रम इस पर आप क्या सोचते हैं? राष्ट्रपति के जूते उतरवा लिए थे, शाहरुख खान के कपड़े उतरवा लिए थे, अमेरिका वो है। मैं बोलूं कैसे? बोलिए, उठता है, बोलिए बोलिए। 100 दिन की केंद्र सरकार बनी, पहला गठबंधन हरियाणा में टूटा, दूसरा गठबंधन आज देश के सामने, 25 साल पुराना रिश्ता क्यों टूटा इसकी मुख्य वजह सभी जानते, पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी जो मेक इन इंडिया जिस तरीके से लेकर आई है, 2010 में UPA2 गवर्नमेंट ने, हमने तमाम उद्योगपतियों के सामने प्रमुख तरीके से रखा, नई मैन्युफैक्चरिंग तरीके से, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार थी तो साइनिंग इंडिया भारत उदय के नारे भी देश ने देखने को मिले। आज हालत क्या है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में 2014 का चुनाव हुआ, आदरणीय मोदी जी को मैंडेट बहुत बहुमत से मिला, मगर आज जिस तरीके से नई पैकिंग कर देश के सामने धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, और देखिए धोखा कौन लोग दे रहे हैं, जनता ने तो आपको 5 साल के लिए चुना विनय जी। आज हालात क्या है कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में इनका 25 साल का गठबंधन, आज अमेरिका प्रधानमंत्री जा रहे हैं, आपने सही कहा कि सिर मुड़ाते ओले पड़े, ये जवाब है। हरियाणा में लोगों ने जवाब दे दिया है, 3 उपचुनाव देश में हुए हैं बड़े,
पूरे देश की जनता ने चुनाव दे दिया है, जवाब दे दिया है। हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी घोषणाएं कर गई हैं, आज महंगाई दिखाई नहीं दे रही है, आज पाकिस्तान दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ आप बिरयानी खा रहे हैं, एक तरफ आप सॉल भिजवा रहे हैं, आज चीन नहीं दिखाई दे रहा है। चीन के प्रधानमंत्री आए, देश में हर प्रधानमंत्री एक दूसरे के देश में दौरा करता है, आप ढोल बजा रहे हैं। देश की मुख्य समस्याओं से आपने रूबरू कराने के लच्छेदार भाषण, लच्छेदार बातें, लच्छेदार सारी चीज़ें परोसने का प्रयास कर रहे हैं देश के सामने, मगर जनता बाखूबी हिंदुस्तान की अब समझने लगी है। झूठे नारे और झूठी मैन्युफैक्चरिंग से देश में काम होने वाला विनय राय जी नहीं है। आईपी सिंह साहब, जो बात कम से कम अशोक सिंह जी ने कहा जापान के अंदर नहीं, एक आईपी सिंह साहब जो बात अशोक सिंह जी ने कहा, एक तरफ उन्होंने कहा इंडिया साइनिंग का नारा जो उसमें बुलंद हुआ वो इलेक्शन कैंपेन का नारा था जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 2009 में भी हमने नारा दिया कि कांग्रेस ने नारा दिया जय हो, बीजेपी ने उसका काउंटर दिया भय हो। इस बार आपने दिया आपकी बार मोदी सरकार, जनता ने आप पर यकीन किया, आपको सरकार बनाने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात है जब आप मेक इन इंडिया का नारा दे रहे थे तो आप उद्योगपतियों का दिल जीत रहे थे, आप कह रहे थे आप हम पर भरोसा करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन शाम होते तो जो खबर आई है कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को विचलित करेगी कि जो दल 25 साल पुराना गठबंधन नहीं चला पा रहा है उसके बाद पर हम कैसे यकीन करें। विनय जी, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती है जी, और जयंती के अवसर पर मेक इन इंडिया का जो उनका विजन है, जो काम करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप विश्वास करिए कि आज विज्ञान भवन में जो अद्भुत दृश्य देखने को मिला कि जितने उद्योगपति बैठे थे, मैं समझता हूं सारे उद्योगपतियों की संपत्ति का अगर ब्यौरा सामने रखा जाए तो आईपी सिंह साहब, देश का प्रधानमंत्री अगर उद्योगपतियों को बुलाएगा तो किस उद्योगपति कितनी हिम्मत है कि जो नहीं आया। बात कर रहे हैं सवाल ये नहीं है, वो आया वो मसला नहीं है। अगर आपने उससे कहा कि आपकी फाइलें लाल फीता शाही की शिकार नहीं होंगी, नहीं आईपी सिंह साहब सवाल ये नहीं है कौन आया, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर बुलाएगा तो उद्योगपति को आना पड़ेगा, उसे भी पता है क्योंकि देश में ईडी इनकम टैक्स सीबीआई सब कुछ है, और देश का प्रधानमंत्री अगर बुला रहा है उसके बुलाने पर नहीं आएंगे तो क्या क्या हो सकता है ये आपको बेहतर पता है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपने उद्योगपतियों का भरोसा जीतने की कोशिश की, आपने कहा कि आप लाल फीता शाही के शिकार नहीं होंगे, आप हम पर एमपी यकीन करिए आपका पैसा नहीं डूबेगा, लेकिन उसके मन में एक सवाल तो आज खड़ा हो रहा होगा ना कि 25 साल जो पुराना गठबंधन था, जब आपने राजनीति की शुरुआत की थी, जो आपका उस समय सहयोगी दल था, जब उसको आप नहीं समझा पाए, जब उसको आप नहीं मना पाए, तो कैसे वो यकीन करे मेक इन इंडिया पर कि अगर वो लगाएगा तो सलामत रहेगा। विनय जी, राजनीति को व्यवसाय से अभी मिक्सअप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार उन्होंने एफडीआई और एफआईआई उसको लेकर उन्होंने ये बात कही है कि आपका पैसा अगर भारत में आता है तो आप विश्वास करिए कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन बायर जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, अगर अच्छे उद्योग आएंगे, विकास होगा, तो जो भी प्रोडक्ट आप बनाने वाले हैं, जो कुछ भी भारत में करने वाले हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जो जिस पर उन्होंने फोकस किया, बाजार में जब तक बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी तब तक आपका माल किसी भी लेवल पर वो नहीं बिक सकता। तो उन्होंने कहा कि भारत में जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, ये तो गरीबी देखा कि नीचे जो लोग हैं वो मिडिल क्लास में आ जाएं और मिडिल क्लास के लोग ऊपर आएं, और धीरे धीरे जो 16 करोड़ चाइना में 16 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, वहां धीरे धीरे 3 times वहां की महंगाई बढ़ी है वहां, और वो सारा का सारा उद्योग और लेबर, वो आज एक बात उन्होंने साफ और किया कि 65% आबादी भारत की 35 साल से नीचे की है। ये पुरानी बात होगी, चुनाव देखे आईपी सिंह साहब, इसमें कोई नई बात तो नहीं बता रहे हैं, ये बात उन्होंने चुनाव में बताया था कि भारत सबसे युवा है और एक तरह चीन बूढ़ा हो रहा है, भारत जवान हो रहा है। ये तो बयान और जुमलों की बाजीगरी तो हम लोग सुन चुके, हम तो दूसरी बात ही कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे आप यकीन दिलाएंगे कि जब आप थोड़ा सा आप देखे नरेंद्र मोदी जी एक तरफ ये कहते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री क्या इतना एक्टिव रहा है आज तक? विनय जी, कोई प्रधानमंत्री इतना एक्टिव रहा है कभी? उसने इस प्रकार देखिए आईपी सिंह साहब, जब कंप्यूटर क्रांति कराया था राजीव गांधी ने, तब आप लोगों ने कहा था भारत बर्बाद हो जाएगा, मजदूर कहां जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने पहली बार क्रांति की पहल की हो, देश अगर 21वीं सदी की तरफ आगे बढ़ा है तो उसमें आपको राजीव गांधी के योगदान को नहीं भूलना चाहिए।
अगर परमाणु शक्ति में भारत सशक्त हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी का कोई योगदान नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ आपने सब कुछ किया ऐसा नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था को लाकर 1983 के बराबर इस यूपीए वाली बात करते हैं। आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, जसवंत सिन्हा और जसवंत सिंह आपके वित्त मंत्री रहते हैं, जिस आर्थिक उदारीकरण की आप बात करते हैं उस आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के समय में हुई थी। आर्थिक उदारीकरण का भी श्रेय आप न ले। आईपी सिंह साहब को नहीं मान जी मुकल्लम साहब, आईपी सिंह साहब को ये नहीं मालूम कि इन्हीं ने क्या कहा है, कह रहे एक मिनट, इनको ये नहीं मालूम कि ये क्या कह रहे हैं। अभी इन्हीं ने ये लफ्ज कहा कि यहाँ जितने उद्योगपति आए हैं अगर वो उनका पैसा जो है उनका पैसा देखा जाए तो हमारे भारत से ज्यादा मतलब तस्वीर बदल जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि वो पैसा लगाए बल्कि उनका पैसा, अरे जो उद्योगपतियों का पैसा है उससे आपको क्या लेने दे रहा है। आप ये फालतू बात करते हैं, आप सोच समझ के बोला करिए कि आप क्या बोल रहे। आप चला दिए वापस और देख लीजिए क्या बोला इन्हीं ने। दिल्ली के गलियारे में लेकर चलते हैं जहाँ हमारे स्वर्गीय धरण पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो सुबह से आप शाम तक घटनाक्रम पर आप नजर रखे हुए हैं, सुबह आपने देखा मेक इन इंडिया का नारा, शाम को प्रधानमंत्री टाटा करते हुए अमेरिका रवाना हो गए, बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन अमेरिका की सवारी अभी शुरू भी नहीं हुई तब तक दूसरी खबर आ गई कि 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया। बड़ी उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम दिल्ली की सत्ता पाने के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र की सीटें वो जीतने में कामयाब होंगे। एक तो गठबंधन टूटने का क्या खामियाजा होगा नंबर एक, और दूसरी बात क्या कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस बात का लांछन नहीं लगेगा कि बड़े भाई का जो धर्म होता है गठबंधन निभाने का, सबको साथ लेकर चलने का, उसमें भारतीय जनता पार्टी बार बार नाकाम हो रही है। चाहे वो चुनाव से पहले जेडीयू गठबंधन टूटा, फिर हरियाणा टूटा, अब शिवसेना का गठबंधन टूट रहा है। देवेंद्र जी, इस चीज को बीजेपी दबाव में लेगी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा लगता नहीं है। आप देखें कि चुनाव से पहले जिस तरह से जेडीयू अलग हुई और उसके बाद बीजेपी का प्रदर्शन जैसा रहा, जाहिर तौर पर पार्टी के बड़े नेता इस बात को मान रहे हैं कि अभी एक्सपेंशन ज्यादा जरूरी है। पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब शिव सैनिकों ने ये मैसेज देना शुरू किया कि कैसे वो बीजेपी का सम्मान करते रहे हैं, कैसे आडवाणी जी का सम्मान करते थे, वाजपेयी जी का करते थे, तो उस स्थिति में बीजेपी के उस बहुत बड़े नेता का कहना था, और मैं बार बार कह रहा हूं कि वो बहुत बड़े नेता उनका यह कहना था कि हमने शिवसेना से यह कहा है कि आप हमें अपमानित ही कर दीजिए, लेकिन हमारी सीटें जितनी की हम हकदार हैं उतनी सीटें हमें दे दीजिए, हमें आपके सम्मान की दरकार नहीं है। तो अगर यह पॉलिसी आ गई है एक्सपेंशन की, और जो कि लाजमी भी है और यह हक है किसी भी राजनीतिक पार्टी का, यह हक है कि अगर उसे लग रहा है कि उसका विस्तार हो रहा है और होना चाहिए तो उस स्थिति में कोई भी पार्टी दावा करेगी। महाराष्ट्र की बात कर लें, जो जैसा कि हमने शुरू में बात की थी विनय जी, आपने जो पूछा था राज ठाकरे को लेके, राज ठाकरे के साथ शिवसेना के अलग होने के बाद बीजेपी के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी कि टेक्टिकल अलायंस हो या फिर प्रत्यक्ष समझौता हो, ये लाजमी है और ये होगा निश्चित तौर पे, जो पार्टी के सूत्र बता रहे थे। और इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को लेकर राज ठाकरे का जो स्टैंड रहा है वो सबको पता है, लेकिन उस दौर में भी नरेंद्र मोदी ने राज ठाकरे को गुजरात बुलाकर अपना राजकीय अतिथि बनाया था। इसी देश में आप देखिए कि जेडीयू आरजेडी अलायंस जैसे अलायंस एक साथ आ जाते हैं, तो छोटे दलों के लिए ये बहुत ज्यादा बड़ी समस्या नहीं होती है, एक दो बड़े बयान आएंगे और फिर उसके बाद माहौल बदलने की कोशिश की जाएगी। और बीजेपी के लिए ये रहेगी। देवेंद्र, आपने कहा कि बिहार में इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला और सरकार बन गई, एमपी भी ज्यादा जीत गया बीजेपी के, लेकिन दो गठबंधन पे बार बार हमारी याद आती है। एक तो नवीन पटनायक के साथ जब उड़ीसा गठबंधन टूटा, तब से एक तरीके से लगता है पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे उड़ीसा में बनवास झेल रही है। और दूसरा गठबंधन का कर्नाटक का हम जिक्र कर लें, कुमार स्वामी से अलग होने के बाद येदुरप्पा साहब ने सरकार तो बना ली, लेकिन येदुरप्पा साहब जैसे ही थोड़ा अलग थलग पड़े फिर दोबारा कांग्रेस के हाथ में सत्ता चली गई। तो कई बार गठबंधन आपको सहारा देते हैं और कई बार गठबंधन आपके लिए घातक बन जाते हैं। शिवसेना के साथ अलग होने के बाद क्या लगता है कि गठबंधन यहाँ घातक था या सहयोगी था? इसमें दो चीजें हैं, जैसे कि बिहार के संदर्भ में जो हम लोग बात कर रहे थे विनय जी, वो इस लिहाज से कि दो विपरीत ध्रुव भी एक साथ आ सकते हैं, जैसे जेडीयू आरजेडी साथ आ जाएंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था, आज वो साथ हैं। तो राज ठाकरे और एमएनएस और बीजेपी या तो साथ आ जाए या फिर टेक्टिकल अलायंस हो, जैसा कि लोकसभा चुनाव में कहा जाता है कि हुआ था, तो वो चीजें हो सकती हैं। दूसरी बात कि बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर इस दौर में शिवसेना का अलग होना उसके लिए एक झटका ही होना चाहिए, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना का स्ट्राइक रेट भले ही बीजेपी की
तुलना में कम है, लेकिन वो एक स्ट्राइक रेट है। लेकिन बीजेपी की मजबूरी इस प्रकार की हो गई थी कि अमित शाह का यह मानना है कि अब पार्टी का विस्तार होना चाहिए। महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में शिवसेना ने अपना कब्जा जमा रखा है, जबकि बीजेपी का कोर वोट पूरे देश में शहरी क्षेत्र है। ऐसे में उन इलाकों में अपनी पकड़ बनाने के लिए ये जरूरी था इनके लिए कि ये शिवसेना पे दबाव बनाकर कुछ ज्यादा सीटें झटकते। और तीसरी चीज कि क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी का अभी बहुमत नहीं है, तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा नजरें टिकी हुई है इस बात पर कि खुद की ताकत अन्य राज्यों में बनाई जाए, ताकि वहां से फिर जब राज्यसभा सांसद चुनने की बारी आए तो पार्टी की स्थिति मुफीद रहे। इस सत्ता में समझना चाहूंगा इस पूरी चर्चा में कि क्योंकि देखा गया था लोकसभा चुनाव के दौरान जब नितिन गडकरी की मुलाकात राज ठाकरे से हुई थी, तो ये बात शिवसेना को बड़ी नागवार गुजरी थी और उन्होंने कहा था कोई पर्सन नहीं है को बात करें, और उसमें गोपीनाथ मुंडे को भी दखल देना पड़ा था उस समय में। आज की तारीख में क्या आपको लगता है गठबंधन अगर टूट रहा है तो सिर्फ अमित शाह नहीं, कहीं ना कहीं नितिन गडकरी की भी मंशा थी कि गठबंधन टूट जाए अपने दल पर हम सामने आए? निश्चित तौर पर विनय जी, और नितिन गडकरी की जो हमें सूत्रों से पता चला है वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं, और हाल के दिनों में उन्होंने उदाहरण देकर कहा था कि एक सीट जो हम शिवसेना को देते हैं छगन भुजबल के खिलाफ, और शिवसेना जो वहां पर उम्मीदवार दी थी पिछली बार वहां पर 3,000 से 4,000 वोट हासिल हुए थे, जबकि हाल में नितिन गडकरी ने कहा कि मैं वहां पर जाकर रैली करके आया हूं और मैंने 50,000 की भीड़ वहां पर इकट्ठा की थी। जाहिर तौर पर ऐसे सलाहों के बाद बीजेपी का जो नेतृत्व है वो और ज्यादा आक्रामक हो गया। प्रदेश के जो नेता हैं वो भी आकर यहाँ पे फीडबैक देते रहे हैं कि अगर हम अकेले भी गए तो हमारा प्रदर्शन 140 से 150 सीटों तक आसानी से हो सकता है। जो पिछले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो उन लोगों ने फीडबैक दिया था, कितना होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो फीडबैक उन्होंने दिया था उसमें उनका कहना था कि 217 से 218 सीट हम लड़ेंगे अकेले अपने दम पर और 140 से 150 सीटें हम जीत सकते हैं। और उस स्थिति में निश्चित तौर पर अमित शाह को ऐसा लगा होगा कि अगर शिवसेना अलग भी होती है तो होने दें। दूसरी चीज बहुत जल्द में मैं बताना चाहूंगा विनय जी कि दोनों ही दलों को एक दूसरे के मजबूरी पे बहुत ज्यादा भरोसा था। बीजेपी को यह भरोसा था कि शिवसेना के पास हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं, केंद्र सरकार से वो अलग होना नहीं चाहेगी, महाराष्ट्र में जो स्थानीय शासन है वो हमारे चलते हैं वो अलग होना नहीं चाहेगी, ऐसे में उसके पास विकल्प क्या है। शिवसेना ये मानकर चल रही थी कि बीजेपी को उपचुनाव में हार हुआ है, हमारे अलावा कोई बड़ा सहयोगी इन्हें महाराष्ट्र में मिलेगा नहीं, तो फिर ये हमसे अलग नहीं हो सकते। दोनों ने ही एक दूसरे के मजबूरियों पर भरोसा किया और शायद उसके चलते गठबंधन टूटा। जी, खासतौर से महाराष्ट्र की सियासत में अगर उठा पटक मची हुई है तो इसमें दो चीज दिखाई देती है। एक तो लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी का जो गठबंधन है वो अंदर ही अंदर खुशी मना रहा होगा, और दूसरा एक फार्मूला और भी, अगर राज ठाकरे के साथ अगर जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है तो उत्तर भारतीयों के मसले पर आप भी और समाजवादी पार्टी दोनों कम से कम उसको बदनाम कर सकते हैं या उसके खिलाफ एक एग्रेसिव कैंपेन चला सकते हैं। अशोक सिंह जी, निश्चित तौर पर जो जिस तरीके से राज ठाकरे जी की सियासत रही है उत्तर प्रदेश के लोगों को और बिहार के लोगों के साथ जिस तरीके से उत्पन्न किया, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको बढ़ावा दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राज ठाकरे ने समर्थन किया है। तो हालात में मैं विनय जी एक बात आपसे माध्यम से पूछ लूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जिस देश में देश के गृह मंत्री अपना पीएस अपनी मन पसंदीदा तरीके से नहीं रखता है, आज उद्योगपति को ये कहकर ये कहा मोदी जी ने कि भाई लाल फीता शाही बिल्कुल नहीं, आप मुझ पर भरोसा रखिए, तो भरोसा जब देश के गृह मंत्री पे नहीं है तो उद्योगपति पर किस तरीके, और इसीलिए गठबंधन लोगों को टूट रहे, हरियाणा टूटा, महाराष्ट्र टूटा, और पूरे देश के उपचुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे दिया है कि जनता को झूठ के बरगलाकर आपने सरकार तो बना ली मगर 100 दिन में आप मुझे चौकीदार बना दीजिए। आज हिंदुस्तान का क्या हश्र है, पाकिस्तान जिस तरीके से बार बार तमाम बार हमले कर चुका है, चीन की सीमाएं हमारे देश में लगातार आ रही है, ऐसा नहीं कि UP2 में, मगर देश में कूटनीति का तरीका होता है देश में जवाब देने का, मगर मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री अपने ड्रेस कोड को लेकर और ढोल बजाने तक का विश्वास रखते हैं, अच्छी बात जरूर है देश के प्रधानमंत्री में, हम चाहते हैं देश में काम होना चाहिए मगर झूठ मत बोलो, देश की जनता समझती है विनय जी। लेकिन अशोक सिंह, एक चीज और मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि शिवसेना ने अभी एक बयान जारी किया जिसमें कहा है कि बीजेपी का एनसीपी के साथ डील है, तो क्या माना जाए कि आपका भी गठबंधन क्या खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं देखिए, निश्चित तौर पर हम एनसीपी के साथ लंबे समय से सरकार चला रहे हैं और हमने UP2 में भी हमारी सरकार में शामिल थी, केंद्र सरकार में भी शरद पवार जी बड़े अनुभवी नेता हैं, तारिक अनवर जी बड़े अनुभवी नेता हैं, निश्चित है कि मामला सुलझ जाएगा और हम महाराष्ट्र में दोबारा आ रहे हैं, हरियाणा में भी दोबारा, देश की जनता जवाब देगी। मगर जिस तरीके मैंने पहले भी कहा कि झूठ की बुनियाद काठ की हाड़ी विनय राय जी बार बार देश में नहीं चढ़ती है, एक बार आपने झूठ बोलते बोलते 60 साल में आपने मंदिर के नाम पर कमांड आंदोलन किए, फिर आपने 84 कोसी परिक्रमा
शुरू करा दी, देश को कब तक तोड़ने का प्रयास करें? सच्ची तस्वीर देश के सामने आनी चाहिए। आपको जनता ने अगर मैंडेट दिया है तो देश में बेरोजगारी कम होनी चाहिए, देश में गरीबी दूर होनी चाहिए। 100 दिन गुजर गए, मैं भारत को मैं ये चाहता हूँ। आज इसीलिए उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री ने बुलाया था माहौल क्रिएट करने के लिए। जिस उद्योगपति को बोला नहीं, माहौल क्रिएट करने के लिए, जिस देश में गृह मंत्री अपना पीएस नहीं रख सकता, अपने गृह मंत्री पर भरोसा नहीं है तो लोग क्या भरोसा करेंगे? ये पूरा देश जानता है कि राजनाथ सिंह जी को अपना मन पसंदीदा पीएस नहीं चुनने दिया गया। ये विनय राय जी, आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं? मैं क्यों डिनाई करूं, मैं क्यों मुहर लगाऊं? तो राजनाथ सिंह जी बोले, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं बड़े अच्छे रिश्ते हैं। आईपी सिंह साहब, सबसे बड़ा मसला है कि शिवसेना ने आप पर आरोप लगा दिया है कि आप एनसीपी के साथ आपकी डील है। क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक तरीके से नया गठबंधन हम देख सकते हैं एनसीपी के साथ? विनय जी, अशोक सिंह जी बोल रहे थे कुछ, एक मिनट में उनका मैं जवाब दे दूं जी। जो राज ठाकरे का जो उत्पात महाराष्ट्र में और मुंबई में चल रहा था उस समय इनकी सरकार थी, वहां क्यों नहीं उठा के राज ठाकरे को बंद कर दिया? अभी नासिक का जो मेयर हुआ वो कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से राज ठाकरे ने बनाया। और दूसरा, जो काट की हांडी की बात कर रहे हैं, 2004 में जब श्रीमती सोनिया गांधी मात्र 8 सीटों से बीजेपी से ज्यादा सीट लेकर सरकार बनाई तो संसद भवन में जब उन्होंने अगला भाषण किया तो उन्होंने कहा कि अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। तो अशोक सिंह जी को एक करेक्शन लेना चाहिए कि ऐसे शब्दों का चयन करें कि इतिहास में क्या हुआ है उसको ध्यान तो रखें। और रही प्रधानमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष करने की, तो अभी तो 3-4 महीने बीते हैं और ये वो कांग्रेस है जिसके ठीक करीब करीब एआईडीएमके खड़ी है, उसके पीछे टीएमसी खड़ी है, मतलब 44 सीटों तक सिमटी हुई कांग्रेस अब चुपचाप अपने घर में बैठ के तमाशा देखे कि पूरी दुनिया में अब हो क्या रहा है, भारत खड़ा कैसे होता है, उसको एहसास करे कांग्रेस। कांग्रेस के पास चिल्लाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। और ये जिस गठबंधन की बात महाराष्ट्र में हो रही है, मैं समझता हूं राजू पारुलेकर जिस प्रकार की राजनीतिक समीक्षा करके अभी उन्होंने बताया कि अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार है कि अलायंस टूटी है, तो उसके लिए एकमात्र कोई जिम्मेदार है तो उद्धव ठाकरे जी हैं और उनका जो युवा बेटा 23-24 साल का आदित्य ठाकरे हैं। बुक्कल नवाब साहब, कहीं ना कहीं बुक्कल नवाब साहब, आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि आईपी सिंह साहब ने कहा कि अभी 4 महीने हुए हैं हम वातावरण बना रहे हैं। हमने देखा था जब समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विकास परिषद का गठन किया था, तमाम बड़े बड़े उद्योगपति आते थे, बैठकें होती थी और लगता था कि उत्तर प्रदेश तो अब चमत्कार होने वाला है और उत्तर प्रदेश देश तो भले सोने की चिड़िया बने न बने, उत्तर प्रदेश तो सोने की चिड़िया बन के रहेगा। क्या माना जाए, इन उद्योगपतियों के साथ बैठक का कोई नतीजा निकलता है, या उद्योगपति जो सरकार को भरोसा दिलाते हैं उस पर कामयाब हो पाते हैं, या फिर सिर्फ सरकार का दोहन करते हैं, सरकार से अपने फायदे का काम कराते हैं और फिर टाटा बाजा करके चले जाते हैं? देखिए, पहले तो हम इनकी बात के जवाब दे दें। जिस तरीके से ये कह रहे हैं राज ठाकरे जी के लिए, राज ठाकरे जो है उत्तर प्रदेश और बिहार सबके मतलब पक्के वो दुश्मन है कि हम उत्तर प्रदेश का कोई आदमी यहाँ देखना नहीं चाहते, बिहार का कोई आदमी हम देखना नहीं चाहते हैं। उसके बाद नितिन गडकरी जो है इनके यहाँ जाते हैं, राज ठाकरे से बात करते हैं और इनकी हम बता दें आपको, ये अंदर अंदर जो राज ठाकरे से पहले से इनकी बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये अभी हुआ है, राज ठाकरे से बात चल रही है। और इनका हशर जो वही होगा जो येदुरप्पा के साथ कर्नाटक के अंदर इन्हें किया था, येदुरप्पा के साथ में ये जो थे हीरो से जीरो हो गए, और ये राज ठाकरे के साथ जाएंगे तो हीरो से जीरो, तो ये 100% हीरो से जीरो होंगे, क्योंकि वो सब जो इनका इनका जो बहकावा था, इनका जो छलावा था, वो पूरा जो है जनता समझ चुकी है, भारत भारत की एक एक जनता। अरे बुक्कल साहब, आप वाला जुमला सही हो जाएगा कि महाराष्ट्र में खड़े नहीं पड़े नजर आएंगे, सपनों के सौदागर ये लोग, सपनों के सौदागर सपने दिखाते। नवाब साहब, आप कहते थे ना कि जिस तरीके की राजनीति है उसमें बीजेपी खड़ी नहीं पड़ी नजर आएगी, तो क्या गठबंधन टूटने के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वाकई पड़ी नजर आएगी क्या? भारतीय जनता पार्टी जो है वहां की वो पड़ी नजर आएगी, और दूसरी पार्टी हम नाम नहीं लेना चाहते, वो खड़ी नजर आएगी।
अब ये देख लिएगा इनकी येदुरप्पा के साथ में जैसे कर्नाटक के अंदर हशर हुआ है उससे बदतर हशर होगा, क्योंकि अभी तक के जो 100 दिन के बाद जितने भी इनके इतिहास चल रहे हैं, जो भी इनका भूगोल चल रहा है, जो भी इनकी हिस्ट्री चल रही है, जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो इनके विपरीत जा रहे हैं, चाहे बिहार हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, और चाहे कर्नाटक हो, और चाहे हरियाणा हो, हर तरफ जो है इनके खिलाफ ही माहौल चला जा रहा है, और ये लोग घबरा गए, हताश हो गए, इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब नवाब साहब असली बात भी तो बता दीजिए, नवाब साहब असली बात भी तो बता दीजिए कि उद्योगपतियों को जो आज प्रधानमंत्री ने रिझाने की कोशिश की है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार ने भी 2003 से 2007 के बीच में विकास परिषद बनाया था उद्योगपतियों को रिझाने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश को तो कुछ नहीं मिला। क्या देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा वातावरण बना पाएंगे जहां उद्योगपति देश के लिए काम करते हुए नजर आए? देखिए इस वक्त जो मोदी जी की बात चली है, हम मोदी जी की बात करेंगे, ये जो है सिर्फ और सिर्फ छलावा करते हैं, जो उद्योगपतियों को बुलाया है, इन्हीं का लाल फीता शाही जो है यहाँ नहीं चलेगा, आपके पास सीबीआई की इंक्वायरी नहीं चलेगी, आप एक तरफ कहते हैं लाल फीता शाही नहीं चलेगी और दूसरी तरफ कहते हैं कि सीबीआई की आपकी इंक्वायरी नहीं होगी, इसके मतलब आप चोरी डकैती करते रहिएगा और हम जो है आपका साथ देते रहेंगे, एक तरफ सीबीआई की बात तो दूसरी तरफ लाल फीता शाही की बात। अरे ये चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं, आज तक के इनका समझ ही नहीं आया, जनता नहीं समझ पा रही है, वो तो जनता जो समझ पा रही है कि भाई इनको किसी तरीके से जहां पर पहुंचाया इनको वापस करो, इनको वापस लाने के लिए जनता कार्य कर रही है, और ये चाहे कुछ भी अमेरिका जाए, अगर ये चांदारे वहां पहुंच जाए, मंगल ग्रह पहुंच जाए, तो कहेंगे कि यहाँ के लिए हम भारतवर्ष के लिए एक तारा तोड़ के दे रहे हैं आपको, एक तारा ये लीजिए प्रदेश, एक तारा आपको देंगे, क्या बोल कौन कौन से लुभाने वादे करेंगे, इनके जिंदगी में यही है, सपनों को सौदागर है ये सपने दिखाते हैं सिर्फ। अशोक सिंह जी, सपनों के सौदागर फिल्म तो हिट हो गई थी, क्या यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो सपनों के सौदागर कहे जा रहे हैं या जिस तरह की बात बुक्कल नवाब साहब कह रहे हैं, ये फार्मूला क्या हिट होगा? क्योंकि देश के उद्योगपतियों को जगाना बुरी बात नहीं है, उनके अंदर देशभक्त की भावना जगाना बुरी बात नहीं है, क्या लगता है जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उससे देश को फायदा होगा? उसे पहले अपने पुनर्विचार करना। आईपी सिंह साहब बोल रहे हैं, मैं बाद में बोलता हूँ सर। वो बोल रहे हैं, उधर बोल रहे, बोल दिया आईपी सिंह साहब, आप सभी पे बोलेंगे लगता है कि 2014 के आम चुनाव में आईपी सिंह साहब कुछ सुन लीजिए, फिर आप इकट्ठा जवाब दे दीजिए। अशोक सिंह जी, आईपी सिंह साहब कुछ बोलना चाह रहे थे आप? ठीक है सर, ठीक है, बोलिए आईपी सिंह। बोलिए सब बोल चुके, ये बोल गए ये बिल्कुल बोल गए। विनय जी, समाजवादी पार्टी के जो यहाँ हुजूर बैठे उनसे ये पूछ लीजिए कि 30-31 महीने में जो पौने 3 साल अब करीब होने जा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 10 काम गिना दे कि हमने ये 10 काम किया। 2001 मिनट किया बोले, मैं जवाब सुनिए, 2003 से 2007 के बीच थे जब इनके नेता अमर सिंह थे तो सारे उद्योगपतियों की मीटिंग उत्तर प्रदेश में हो रही थी, नोएडा में, आगरा में हो रही थी, 2 समिट जो वर्तमान मुख्यमंत्री है श्री अखिलेश यादव जी, 2 मीटिंग उन्होंने भी उद्योगपतियों के साथ किया, आखिर उन सबका रिपरकशन क्या हुआ? उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर गया, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कितना आया, कौन कौन सी कंपनियां आई, कितना पैसा किन शहरों में, यहां तक कि राजधानी आगरा, नोएडा कहां कहां, या बनारस, गोरखपुर, बरेली कहां कहां पैसा लगा, ये उनसे पूछिए, इनसे इनके काम की बात पूछिए, क्योंकि इनसे देश की राजनीति फालतू बात कर रहे हैं। सरकार नहीं है, आप पहले ऐसा करिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए। हम तो चश्मा लगाए, आप एक मोटा चश्मा खरीदिए, उससे देखिए कि लैपटॉप बांटे गए कि नहीं बांटे गए, या 15 लाख, आप ये देखिए देश की आबादी 22 करोड़ है, बेरोजगारी भत्ता दिया गया कि नहीं दिया गया, और हर साल 15 लाख बच्चे पास आउट होते हैं हर साल। देखिए विद्या कन्यादान दिया गया कि नहीं दिया गया, कितनों को दिया, कितना बजट, बजट बताइए, बजट 3 लाख, बजट 3 लाख हमने दिया है, बजट बताइए कितना दिया आपने, बजट बताइए, 33,000 रुपया एक कन्या को हमने दिया, 33,000 3 लाख सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को झूठ बोलते दिया गया है, 3 लाख में हमने किसी धर्म विशेष को नहीं दिया, आप एक को धर्म विशेष को नहीं दिया, मैं आरटीआई की बात कर रहा हूँ, आबादी 22 करोड़ पौने 3 लाख विशेष का दिया,
को भी एक धर्म विशेष के लोगों को बांटा गया, इसको नहीं दिया छूट बोलते। ये इसलिए प्रसन्न है क्योंकि इनका विशेष ध्यान रखा गया है। मालूम बात नहीं है इनसे उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी लीजिए। एक बार 3,45,000 हमने सारे अपने हिंदू भाइयों को दिया। इनसे पूछे कि लखनऊ की एक रोड की वाइडनिंग में 3.5 साल लगा कि नहीं, 7.5 किलोमीटर रोड ये 3.5 साल में बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में अंधकार है, बिजली आती नहीं। आजमगढ़ में 3 घंटे आजमगढ़ में विनय जी मेरे घर पर आज मैं वार्ता कर रहा था, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है। 10 काम तो सुन लीजिए, गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए कितने काम किए हमने। सवाल अशोक सिंह जी का सुन लेते हैं एक मिनट। अशोक सिंह को बीच में रोक दिया था और अशोक सिंह जी ने बड़े विनम्रता के साथ आपका निवेदन स्वीकार कर लिया था, तो अशोक सिंह जी को जरा सुन लेते हैं। अशोक सिंह जी अब जरा अशोक सिंह जी को बोलने दीजिए। मेट्रो में क्या किया, चर्चा में शालीनता का मतलब ये नहीं होता किसी का बोलने न दे। आईपी सिंह साहब, मुकुल नवाब साहब, चर्चा में शालीनता का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप सहयोगी को न बोलने दे। हम एम्बुलेंस चला रहे, एम्बुलेंस सब भारत सरकार की योजनाएं हैं। आईपी सिंह, अशोक सिंह साहब, लगता है आपको भी थोड़ा सा तेवर दिखाना होगा। मैं चाहूंगा कि इन दोनों महानुभावों का जवाब दे देंगे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस सियासत को आगे बढ़ा रही है और देश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में तो विकास परिषद के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को हमने देखा आते हुए। क्या उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करने से, बैठक करने से क्या कोई विकास आज तक हुआ है या आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, उत्तर प्रदेश का संज्ञान लीजिए क्या हो रहा है, आप भी तो बताइए ना, आपने भी तो देखा होगा। कि जब परिवार टूटता, विनय राय जी, जब परिवार टूटता है और परिवार 25 साल पुराना हो तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव के जो रिजल्ट आए उपचुनाव के देश भर में विचलित हो गई और जिस तरीके से सौदेबाजी कर रही है देश के अंदर, हरियाणा में की आप शिवसेना जैसा 25 साल का गठबंधन टूटा, ये बड़ा सवाल ये निशान है। केंद्र में सरकार है, 100 दिन के अंदर जो सरकार बनी और पूरी तरह से चरमरा गई है। आज जिस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूजी भाई देश का प्रधानमंत्री है, अगर देश के उद्योगपतियों को बुलाएंगे तो निश्चित आएंगे। अगर एक थाने का सब इंस्पेक्टर हो जाता है, सम्राट व्यक्तियों को बुलाता, वहां भी लोग जाते हैं। ये काम आप करते रहे पहले, इसका मतलब नहीं, इसीलिए तो बता रहे हैं। हमारी भूमिका जो कर रहे हैं, भूमिका को मत कहिए, हमने ये जो कुछ कर किया विनय राय जी, वो वक्तव्य याद दिला दूं, मैं वो वक्तव्य याद दिला दूं जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जब कंप्यूटर जैसी चीजों को लेकर आए तो अटल बिहारी वाजपेयी नेता विरोधी दल हुआ करते थे और 5 दिन देश की पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी और पूरी दुनिया में विरोध हो रहा था रोजगार हो जाएगा। राजीव गांधी ज्यादा विजनरी थे, उनका विजन ज्यादा असरदार था, जिसका पूरी दुनिया ने विरोध किया, आखिरकार वो चीजें कामयाब हुई। आज बच्चे के हाथ में लैपटॉप कंप्यूटर चल रहा है, पायलट थे, क्या विजन, पॉलिटिकल सेंस ही नहीं था उन्हें। आज भारतीय जनता पार्टी की वही भाषा है पूरी दुनिया में। चलिए चलिए चलते चलते अंतिम में बात करेंगे अपने सहयोगी देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, आपने देखा उद्योगपतियों की बैठक के बाद भी क्या उत्साह नजर आ रहा है, जो मेक इन इंडिया का नारा दिया गया है उसको किस तरीके से उद्योगपति ले रहे थे? निश्चित तौर पे बैठक खत्म होने के बाद जब उद्योगपतियों से बात हो रही थी तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव ले रहे थे और एक जो भरोसे की बात कही जाती रही है, तो निश्चित तौर पे इस सरकार के आने के बाद बाजार में उद्योगपतियों में एक भरोसा जगा है। कम से कम इस बात का भरोसा तो है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो फैसले ले सकने की स्थिति में है, वो फैसले लेगा, फैसले ले रहा है और ये भरोसा बहुत बड़ा भरोसा होता है। हालांकि जो चीजें कही गई, जैसा कि कम से कम लोगों को उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा देश के लिए, जो अच्छे दिन की बात कही गई थी उसमें कुछ न कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चर्चा में आप चारों खास लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। बुकल साहब आपका भी धन्यवाद, अशोक सिंह जी आपका भी, आईपी सिंह साहब आपका भी और देवेंद्र आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।